हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज चल रहे हैं हम लोग, जा रहे हैं मिथुन चक्रवर्ती के होटल पे, मिथुन दादा के होटल पे जा रहे हैं। तो जाएंगे, दिखाएंगे आप लोगों को होटल कैसा है, क्या है, रूम के प्राइजेस क्या है, वन डे रुकने के लिए क्या प्राइस है, और डिनर लंच चाय कॉफ़ी क्या प्राइस है, सारा देखेंगे, सारा एक्सप्लेन करेंगे आज। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए। तो चलते हैं आज, मैं और टिंकू दीदी हम लोग जा रहे हैं। ये देख लो भाई, जा रहे हैं। ये सामने कुछ व्यूज है रास्ते का, दिखाते हैं आप लोगों को। तो अभी जाएंगे वहाँ पे, वहाँ दिखाएंगे आप लोगों को मिथुन दादा का होटल, देखना कितना मस्त है, स्टार कैटेगरी का होटल है, खाना पीना बहुत महंगा है, देखते हैं रूम के प्राइजेस क्या है। तो आप लोगों को दिखाते हैं, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए। देखिए भाई, एंट्रेंस का गेट है ये, यहाँ से एंट्री करेंगे। एंट्री करने के बाद ना पूरा होटल आपको दिखाएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ। पूरा होटल अंदर कैसा है, क्या क्या चीज़ें हैं पब्लिक के लिए, तो पूरा दिखाएंगे। आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए। तो गाइज, फाइनली हम मिथुन दादा के होटल के अंदर आ गए, एंट्री कर रहे हैं, तो दिखाते हैं आप लोगों को। ये है वेलकम टू योर किंगडम द मोनार्च होटल ऊटी मसिनगुड़ी। ये देखिए, ये हेलीपैड है, ये देखिए, ये होटल है मिथुन दादा का। दिस होटल इज ए प्लास्टिक फ्री जोन, तो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलते हैं, आगे चलते हैं, आगे जाने के बाद दिखाते हैं, आगे एंट्रेंस करेंगे। ये देखिए, कंटिन्यू बने रहिए, पूरा वीडियो देखना भाई, पूरा ब्लॉग देखना, पूरा ब्लॉग में पूरा मिथुन दादा का होटल पूरा दिखाएंगे आज। आगे पीछे से हेलीपैड वगैरह सारा, जितना भी जो जो चीज़ें बना रखा है दादा ने लोगों के लिए, जो जो सब हर चीज़ यहाँ पे देखने को मिलेगा, बच्चों के लिए, जवान के लिए, हर चीज़ देखने को मिलेगा। देखते हैं, चलते हैं आगे, आगे दिखाते हैं आप लोगों को। आगे रिसेप्शन में जाएंगे, वहाँ बात करेंगे, फिर खाना वाना खाएंगे कुछ। ये देखिए, खाना तो खाए हैं, कुछ स्नैक्स वगैरह कॉफ़ी टी पियेंगे, उसके बाद निकलेंगे फिर। तो ये देखिए, ये है मिथुन दादा का होटल। तो आगे कंटिन्यू बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए। यहाँ पे जाएंगे अंदर, दीदी वगैरह जा रहे हैं, तो चलते हैं, देखते हैं, कॉफ़ी वगैरह पियेंगे और अंदर जाके दिखाएंगे आप लोगों को। चलो, एंट्री गेट है ये, ये देखिए भाई, एंट्री गेट यहाँ पे, ये सामने रेस्टोरेंट है ना। तो कंटिन्यू बने रहिए, आप लोगों को दिखाते हैं। आप लोग दादा का होटल 5-star होटल है भाई, यहाँ पूरा आपको दिखाते हैं, पूरा विजिट कराते हैं। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, ये लिफ्ट है, ये देखिए सामने रेस्टोरेंट वगैरह है, सारा दिखाते हैं आप लोगों को, रिसेप्शन वगैरह दिखाते हैं। ये देखिए, ये रिसेप्शन है, ये रिसेप्शन है, ये यहाँ के मैनेजर हैं द मोनार्च होटल। देखिए आप, ये सर, ये होटल को कितना साल हो गया होगा सर? 28 ईयर्स हो गया। और इसका मिनिमम रूम का प्राइजेस और मैक्स मिनिमम 6000। और ऑनलाइन बुक होता है और ऑफलाइन, दोनों भी होता है। ऑफलाइन के लिए क्या मतलब, सडनली आके या फिर एक दिन पहले डायरेक्टली कर सकते हैं? मार्च में आए थे, जो बेटे सन वगैरह वो लोग आते हैं, मतलब तीनों बेटे आते हैं, तीनों बेटे आते हैं, मैडम भी आती है। रुकने का मतलब ये हिंदी या पर्सनल रूम वगैरह है या नहीं? ऐसे उनका तो नाम से एक रूम है, एक रूम है दादा का। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये देखिए दादा का फोटो, देखिए यहाँ पे दिखाओ, ये है हमारे मिथुन दादा। स्पेशली हम यहाँ दिखाते हैं, लाइट पड़ रहा है, थोड़ा दिखाओ ठीक से। ये देखिए, हाँ ये है मिथुन दादा हमारे, ये देखिए भाई, सुपरस्टार है हमारे। और यहाँ पे हमने जितने लोगों से मिला, सब ने बहुत तारीफ किया, बोले ये गॉडफादर है, तो बहुत यहाँ के स्टाफ मानते हैं इनको। ये पकड़ो थोड़ा, तो अब चलते हैं हम आगे। तो भाई ये देखिए, बच्चों बच्चों का खेलने का जगह है ये, बहुत ही बढ़िया होटल है यार। तो दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ पे लोग खाने पीने का सिस्टम कर रहे हैं, देख रहे हैं, ये होटल है द मोनार्च होटल। ये देखिए भाई, होटल है ये, मिथुन दादा का होटल है। आगे दिखाएंगे मिथुन दादा का पोस्टर, फोटो वगैरह सब लगे हुए हैं, बहुत ही स्टार कैटेगरी का होटल है। ये देखिए,
ये होटल है भाई मिथुन दादा की, दमोहराज होटल। ये हेलीपैड है, जब मिथुन दादा आते हैं हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरते हैं। ये हेलीपैड है, ये पूरा होटल का व्यू है भाई मिथुन दादा का। स्टार होटल है, फाइव स्टार होटल है, यहाँ लोग बहुत सारे आते हैं। ये देखिए ये हेलीपैड है, यहाँ पे जब मिथुन दादा आते हैं यहाँ पे उनकी हेलीकॉप्टर लगती है। ऊपर से कोयम्बतूर से यहाँ तक हेलीकॉप्टर से कभी आते हैं तो वो हेलीकॉप्टर यहाँ रुकती है। ये हेलीपैड है, तो कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए। आपको पूरा आज मिथुन दादा का होटल दिखाते हैं, लोग यहाँ बैठे हैं कुछ कर रहे हैं, तो कंटिन्यू देखिए। आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं। राजस्थान से, ईरोड पे रहते हैं, बिजनेस है इनका। जी जी जी, तो ये लोग आए हैं कुछ। पच्चीस साल बाद सर आ रहे हैं इधर, शूटिंग चल रहा था, वो शूटिंग दे रहा था। मैंने प्यार किया, मैंने प्यार किया सलमान नाम ऐसे ही उसका। अच्छा, ऐसा ही था, पूनम ढिलो थी उसके अंदर साथ। अच्छा, तब तो आप जवान थे तब ऐसे। तो बहुत सारे मूवी यहाँ पे शूट हुए हैं। 32 दिया वो भी आ गए, 30 मेरे 30 साल हो गए यहाँ पे। 30 इयर्स पहले आए थे आप, आफ्टर 30 इयर्स फिर बाद में आ रहे हो। पहले भी ऐसा ही था क्या ये पूरा? जी गार्डन के अंदर शूटिंग चल रहा था। अच्छा 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 अच्छा, पूनम ढिलो के साथ। अभी तो उम्र हो गया, बहुत एज हो गया वो। जी जी, गाइस ये देखिए होटल, देखिए मिथुन दादा का। हम यहाँ पे आए हैं चाय पीने, एक अंकल मिले, ये 30 साल पहले यहाँ पे आए थे और मिथुन दादा को देखे थे वो जब जवान थे, पूरा यंग थे। ये पीछे हमारे होटल है, बिल्कुल पीछे होटल है, फाइव स्टार होटल है। यहाँ पे लोग, ये लोग आए हैं ई रोड से, इनका कुछ मीटिंग वगैरह चल रहा है, कंपनी कोई इनका अपना बिजनेस है। तो ये लोग 60-70 लोग आए हैं, इनका कुछ मीटिंग है तो ये लोग यहाँ पे आए हैं। तो ये देखिए बढ़िया जगह है, बढ़िया होटल है। जब भी आप यहाँ पे आएंगे पहले से बुक करना पड़ता है, ऑनलाइन बुक करना पड़ता है। तो आप लोग देखते हैं, चलते हैं आगे, अंदर का दिखाते हैं, अंदर क्या है। स्विमिंग पूल वगैरह है, हेलीपैड तो आपने देखा। मिथुन दादा जब भी आते हैं यहाँ पे उतरते हैं, तो आगे चलते हैं, आगे जाके दिखाते हैं आपको आगे क्या क्या। टाउन व्यू, यहाँ से खड़े होकर पूरा टाउन देख सकते हैं भाई। तो दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ से खड़े होकर पूरा टाउन देख सकते हो। क्लाइमेट देखो यार, यार बहुत गंदा हो गया। यहाँ से पूरा दिख रहा है टाउन, टाउन दिखेगा भाई ऊटी का। नीचे पूरा टाउन है, ये बहुत रिच पे है, बहुत हाइट पे है। ये नीचे टाउन है ना ऊटी, ये वाला, ये पूरा नीचे टाउन है भाई। अंदर चल के दिखाते हैं, अंदर जाके दिखाते हैं आपको ये रिच पहाड़। ये देखिए भाई ये होटल है, ये तो पूरा हमने दिखाया, अब अंदर जाके दिखाएंगे। अंदर स्विमिंग पूल वगैरह, रेस्टोरेंट भी दिखाया, तो आगे चल के दिखाते हैं आप लोग, कंटिन्यू बने रहिए। पूरा होटल देखिए, बहुत ही बड़ी होटल है, स्टार कैटेगरी की, फाइव स्टार होटल है। ये तो देखा आप लोगों ने, मैंने पहले दिखाया हेलीपैड, जब मिथुन दादा आते हैं यहाँ पे उनकी हेलीकॉप्टर लगती है। तो ये पूरा होटल का व्यू है साइड से। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे अंदर का दिखाते हैं, थोड़ा बात करते हैं, रूम वगैरह का चार्जेस क्या है, ऑनलाइन ऑफलाइन बुक होते हैं या ऑनलाइन बुक होते हैं, क्या होते हैं सारा दिखाएंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए। कुछ घूमने का जगह है, बच्चे वगैरह खेलने के लिए, जब बच्चे जो फैमिली वाले आते हैं ये लोग, बच्चे यहाँ खेल सकते हैं। पूरा बनाया है सिस्टम, पूरा होटल का सिस्टम बनाया है बच्चों के लिए, गार्डन वगैरह, पार्क, स्विमिंग पूल। ठंड में तो वैसे लाते नहीं, लेकिन गर्म पानी का सुविधा है यहाँ पे। तो देखते हैं, आगे चलते हैं, आगे दिखाते हैं आपको, अंदर का सीन दिखाते हैं, अंदर क्या क्या है नहीं है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और हमारे साथ देखते रहिए। मुझे एक बार बता दीजिए, एक बार बता दीजिए मैडम जी, अभी लास्ट टाइम हम लोग का जज का बेटी का एंगेजमेंट है, ये फुल कवर कर दिया, कलेक्टर आया, डीएसपी आया, एसपी आया, हो गया। अभी मिनिस्टर लोग आए, पूरा लोग आए मैडम जी, इधर पूरा कवर कर दिया। सर कितना साल पुराना होटल है ये?
ये मतलब 29 शुरू हो रहा है अभी 29 years 29 old 94 में शुरू हो गया सर 94 में स्टार्ट हुआ 94 में ओपन कर दिया जी अच्छा अच्छा अभी 94 29 शुरू हो रहा है 29 साल अभी लगभग चल रहा है स्टार्ट हो गया लेकिन अभी भी अच्छा चल रहा है अभी भी वैसे ही है स्टार्टिंग से रिस्पांस जैसा था अभी भी रिस्पांस नहीं है छुट्टी नहीं है अच्छे से बिजी चल रहा है नो प्रॉब्लम पहले आप लोग कहां गए सर मैं हम लोग ऊटी के आप ऊटी के हिंदी और अच्छा बोलते हो दादा कब आते हैं मिथुन दादा दादा बहुत बिजी है अभी दादा जापान में छुट्टी है मूवी शूटिंग चल रहा है मैडम जी दादा अभी एक तो है नहीं अभी दूसरा होटल भी रेडी हो रहा है दादा बहुत बिजी है छुट्टी भी है इसलिए अभी नहीं आया वो कभी आएगा मालूम नहीं सर ये ऑनलाइन बुक होता है ऑफलाइन भी बुक होता है स्टार्टिंग क्या चार्जेस है सर मिनिमम चार्ज और मैक्सिमम 1500 प्लस टैक्स दादापति नहीं सुनना सर दादापति बोलो तो दादा का हम लोग का दादा हम लोग का सेकंड गॉड है सेकंड गॉड है ना सर अच्छा आदमी है ना मिथुन दादा तो हम लोग का मालिक जैसे दूसरा आदमी के दूसरा वोट में नहीं मिलेगा इतना बहुत अच्छे आदमी है ना दादा बातचीत सब उनका कोई भी हम लोग स्टाफ ना कोई मतलब 20 25 10 years कोई नया स्टाफ नहीं है बहुत पहले का स्टाफ सभी 5 साल 10 साल 18 साल 19 साल 20 साल मतलब जो पहले से स्टार्टिंग से हैं वो छोड़ के ही नहीं जाता कोई नहीं किसी जाएगा हम लोग दादा तो नहीं दादा नहीं जी दादा हम लोग सर 17 years दादा बोल रहे अब स्टाफ लोग नहीं है हम लोग फैमिली हैं सही सही ऑनर ऐसा होना चाहिए फैमिली हम बहुत पहले इधर आते थे जिम करने के लिए मेरा भाई और मेरा हस्बैंड अच्छा मेरा भाई और यहीं पे जिम कर रहे थे ये लोग इधर हां बहुत पहले हम मतलब एज कम था हमारा उसी टाइम है ना जी जी उसी वक्त आते थे हम लोग दादा भी अच्छा है मैनेजर भी अच्छा है मिस्टर विदेश पाल बोल के वो भी हम लोग अच्छा हिंदी वाले हैं हां साथ बंगाली है बंगाली अच्छा स्टाफ को अच्छा देख रहे हैं अच्छा अच्छा मैनेजर अच्छा ओनर कैसे तो फिर छोड़ने की जरूरत क्या है सही बात है सर जा सकते हैं ना मैं अभी 18 साल में हुआ अभी पार्टी सीपीसी हुई है मेरे की बेटी है अभी ये भी 12 पढ़ रहा अभी मतलब इधर आप जॉब कर रहे थे आपकी लड़की पैदा हुए क्या उसके पहले नहीं 18 साल में मैं ज्वाइन कर दिया अच्छा 18 साल में मैंने ये जी 18 है ना सर जी 46 हुआ है सर अच्छा 18 में यहाँ ज्वाइन किया था 18 में ज्वाइन कर दिया जी बिल्डिंग स्टार्ट करने बिल्डिंग अच्छा ज्वाइन कर टाइम में खाली फर्स्ट फ्लोर रेडी है फर्स्ट फ्लोर मतलब काम चल रहा था कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था कैसा भी 200-300 आदमी काम कर रहे उसी टाइम में मतलब आप यहाँ रहने के टाइम में ऊपर का सब फ्लोर बना है ना अच्छा अच्छा जी 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 बहुत बढ़िया और एक चीज सर प्राइस क्या है स्टार्टिंग प्राइस क्या है सर मिनिमम और मैक्सिमम 6000 स्टार्टिंग है 6000 लग जाओ दादा को बोल कर शूटिंग वाला बोलो तो बहुत आदमी इधर आया शूटिंग के लिए तमिल वगैरह तमिल तेलुगु हिंदी सब तमिल तेलुगु मलयाली तेलुगु हिंदी भी आते हैं ना सर पूरा आदमी इधर आया मिथुन दादा का तो बहुत मूवी इधर शूट हुआ है राजेंद्र सर हम लोग उसी टाइम है ना जी जी शाहरुख खान किरण कुमार सब कुछ जानते हैं शिल्पा सिटी स्विमिंग पूल शक्ति कपूर भोजपुरी राजू बाबू धर्मेंद्र सारे हिंदी वाले एक्टर को जानते हैं सर यहाँ पे आए हैं सब सबको मैं देखे इधर अच्छा 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 हाँ तब तो अभी तो शूटिंग थोड़ा कम हो गया हम लोग लास्ट में दो एक एक में शूटिंग इधर ही लिया हाँ जी सर नसीब का नसीब गोविंदा की मूवी गोविंदा की नहीं अमिताभ बच्चन अमिताभ बच्चन की भी एक नसीब ऐसे नीचे हुआ शक्ति कपूर शक्ति कपूर अनिल कपूर किरण कुमार जूल चावला शिल्पा शेट्टी ओम पुरी करिश्मा सर सब कुछ जानते हैं सारे एक्टर्स को हीरो सर बोल रहे हैं जब ये पहला और भी बात है ना ऊटी में स्विमिंग पूल ऐसा वगैरह ज्यादा नहीं है सिर्फ 4-5 जगह कुछ है ना हम लोग होटल का भाई संसार कर रही अभी सभी है कि बिलियर्ड टेबल टेनिस कैरम जिम बार हेल्थ क्लब बी टू बॉलर ये रैंक इज ऑल नॉन सभी है हेल्दी इसीलिए तो नमस्कार नमस्कार सर सर हिंदी मालूम है आपको हिंदी थोड़ा थोड़ा बट हिंदी आता है आता है थोड़ा थोड़ा आता है आप यहाँ कब से आ रहे हैं सर अच्छा यू आर टेकिंग या वीडियो भी यूट्यूब वीडियो सर यूट्यूबर ओके ओके सी आई हैव अबाउट
last 20 years, you know, 20 years with this hotel. Yeah. And tomorrow, this hotel is my home. Second home. Wow, really, sir. Moreover, the people, no, who are here. Yes, the hospital is awesome, the fantastic, not compare with anywhere. Really fantastic. Everything is comfortable, sir. If I anything ask, by 12 o'clock midnight, this guy will prepare and give. So that kind of hospitality. Excellent room and ambience. You cannot find this kind of, you know, space property in Ooty. How many times come here, sir? Many times I would have been here. 10 to 15 times, I think. From 20 years, last 20 years. Last 20 years, before 20 years. Oh. From 2003 onwards. I think 30, 40 times visit ho gaya. And the credit goes to the entire team. Really, no. Because of the service. Now, how many people come here, sir? Today? Almost 65 people. 65 people. Oh. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग स्पीच। तो चलते हैं भाई रेस्टोरेंट के अंदर, ये बोफे लगा हुआ है। तो ये रेस्टोरेंट है, यहाँ पे लोग खाना वाना खा रहे हैं, टेबल लगी हुई है। ये सारे मीटिंग वाले आए थे, कुछ ग्रुप हैं, तो अंदर चलते हैं, अंदर जाके आपको दिखाते हैं पूरा। ये रेस्टोरेंट एरिया है, यहाँ पे खा रहे हैं, ये बोफे लगा हुआ है, यहाँ पे सारे लोग खा रहे हैं भाई खाना वाना वगैरह। तो ये देखिए बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट, स्टार कैटेगरी का होटल है। तो अंदर का कुछ दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखिए। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए यार, आप हमको भाई सपोर्ट कीजिए। देखते हैं, ये मिरर पे मैं खड़ा हूँ भाई, तो आप लोगों को पूरा वीडियो दिखाएंगे, आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। ये देखो गाइस, यहाँ से राकेश उधर से आ रहा है। दो कॉफी अभी आ रहा है, और भी रेस्टोरेंट। हाँ रेस्टोरेंट, आज इन लोग का मीटिंग है। कैसा लगा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, दादा का रेस्टोरेंट है। अरे इधर देखो, मैं वीडियो बना रही हूँ, ये देखो। अभी फिलहाल के लिए हम लोग कॉफी वगैरह ले लेते हैं, कॉफी वगैरह पीने, फिर आपको दिखाएंगे। हमारे साथ आगे चलते हैं, नेक्स्ट दिखाते हैं आप लोग। तो फाइनली गाइस, हमारा खाना पीना खत्म हुआ, ये दीदी बात कर रहे हैं, बिल वगैरह पे हो गया, यहाँ से चलेंगे। तो फिर जाने के बाद मैं आप लोगों को आगे का सीन दिखाते हैं। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर। एट ईयर्स मस्त ओनर है, मालिक है बोल के नहीं बोल रहा हूँ, गॉड, सेकंड गॉड, सेकंड गॉड। बचपन से मैं गॉड मानता आया हूँ, अभी भी मानता हूँ। और एक बात पता है, मेरे वीडियो में ना, हाँ, और मेरे वीडियो में भी बोला दादा गॉड है, कमेंट आया था पहले, मैं इधर वीडियो बनाया था ना। ये देखो गुलाब जामुन, गुलाब जामुन खा रहे हैं भैया। बाकी सब बढ़िया सर, एकदम दादा मस्त आदमी है, एकदम। आप लोगों ने देखा भाई, मिथुन दादा का बहुत तारीफ हो रहा है, आदमी ऑनर नहीं है, भगवान मानते हैं, सेकंड गॉड मानते हैं। पूरा स्टाफ यहाँ के उनको गॉड, सेकंड गॉड मानते हैं, भगवान के बाद अगर किसी को मानते हैं तो। और सबसे बड़े तो ये भैया पूरा गॉड ही मानते हैं, फैन है। बहुत अच्छे आदमी है, बस बस बस। फिर हम लोग अच्छी, वो चीफ ऑपरेटिंग डायरेक्टर है मिस्टर विदेश पॉल सर, वो भी हम लोग अच्छा स्टाफ का अच्छा देख रहे हैं, तो गाइस ये देखा आपने, हमने पूरा मिथुन दादा का होटल दिखाया, पूरा टूर कराया, आगे भी कुछ चीजें हैं दिखाएंगे, तो आप लोग कंटिन्यू हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए।
तो आपको पूरा दिखाएंगे हम लोग। ये लॉन है इनका, लॉबी लॉन बोलते हैं इसे, पता नहीं क्या बोलते हैं, जो भी है। तो ये होटल का अंदर इनसाइड है, इंटीरियर बहुत हेवी बना है, बहुत हार्ड बना है। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए, आगे और थोड़ा कुछ चीज़ें हैं वो दिखाने के बाद में वीडियो एंड करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा बट बहुत अच्छा वीडियो बनेगा, क्योंकि स्टार कैटेगरी का होटल है, ज़रूर देखना चाहिए आप लोगों को। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए। तो फाइनली हमने रिसेप्शन का भी ले लिया, आगे चलते हैं। आगे पूरा दिखाएंगे, पूरा दिखाने के बाद में वीडियो लास्ट एंडिंग करेंगे। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए और देखते रहिए हमारे साथ गाइस। तो ये कुछ व्यू पॉइंट है दादा ने बना रखा है अपने जो कस्टमर आते हैं उनके लिए, यहाँ से आके सारा लोकेशन देख सकते हैं। ये देखिए द मोनार्च वैली व्यू पॉइंट, यहाँ खड़े होके लोग आजू बाजू जो भी है फॉरेस्ट एरिया सब देख सकते हैं। तो आप लोग भी देखिए, ये भी एक हेलीपैड का है ना, ये भी हेलीपैड है भाई, ये दूसरा हेलीपैड, फर्स्ट हमने वहाँ दिखाया था, अब ये हेलीपैड दूसरा है, ये फ्रंट का है। और यहाँ से पूरा होटल का व्यू दिखता है, तो आप लोगों को दिखाते हैं पूरा होटल यहाँ पे। ये देखिए ये है पूरा होटल, सांस बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। 27-28 साल हो गया होटल को। ये देखिए ये होटल बना है दादा का, मिथुन चक्रवर्ती बॉलीवुड के स्टार हैं, ये उनका होटल है। तो यहाँ से पूरा दिख रहा है। तो आज थोड़ा क्राउड था तो अंदर गए, तो आगे यहीं पे हम वीडियो ख़त्म कर देंगे, चलते हैं आगे। तो यहाँ से कुछ व्यू पॉइंट देख लीजिए भाई, ये देखिए चीटी उधर है, इधर कुछ विलेज टाइप है, विलेज टाइप है ना वो। ये देखिए पूरा होटल। तो अभी के लिए इतना ही, आगे चलते हैं। तो फाइनली गाइस देखा आपने, पूरा होटल दिखाया, अब हम निकलते हैं। ये एग्जिट पॉइंट है जहाँ से एग्जिट करेंगे, उसके बाद सीधा घर जाएंगे। आओ बाहर आ जाओ, दिखाते हैं। ये पूरा देखिए मिथुन दादा का होटल, मजा आया घूम के। कॉफी वगैरह हम पिए, कॉफी भी बहुत टेस्टी था, बहुत अच्छा था। और बिल ऐसे इतना ज्यादा भी नहीं था, नहीं मतलब स्टार होटल के हिसाब से। हाँ ये तो स्टार है ना, स्टार होटल के हिसाब से स्टार होटल, मतलब इतना ज्यादा कॉस्टली भी नहीं था, तो बहुत अच्छा था। तो आगे ये एग्जिट है, यहाँ से नीचे जाएंगे। तो अगर भाई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और नए हो तो प्लीज 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 सब्सक्राइब करके जाना, आपको ऐसे अच्छी अच्छी वीडियो दिखाते रहेंगे, अच्छी अच्छी जगह दिखाएंगे। अभी हमको बहुत जर्नी करना है, अभी हम यहाँ काफी दिन है, तो बहुत सारे होटल दिखाएंगे आपको। तो आप लोग कंटिन्यू बने रहिए हमारे साथ, तो आगे आप लोगों को दिखाएंगे। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। ओके बाय।